1.5 घंटे में चैप्टर के सारे टॉपिक रिवाइज हो जाते थे, मतलब हर वैरायटी का क्वेश्चन कवर हो जाता था। अपनी वही वाली जो स्टाइल मतलब है कि मतलब हर चीज के ऊपर अलग अलग करके टाइप वाइज डिवाइड कर दिया कि एक चैप्टर यस में इस टाइप के सवाल आएंगे या इस। तो भाई आज हमारे साथ है आर्यन कुमार, है ना। आर्यन तुम्हारी परसेंटाइल कितनी है? 99.27 27 है ना। तो आज हमारे साथ है आर्यन जिसकी परसेंटाइल है 99.27, और ये पढ़ा था हमारे जेई बूस्टर 2.0 वाले बैच से, राइट। तो यस सर। डेफिनेटली आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आर्यन थैंक यू बताओ सर। कैसे, मतलब कैसे तुमने डिस्कवर किया है जेई बूस्टर बैच के बारे में, और कैसे पता कैसे चला सबसे पहले तो। सर मैं मतलब 11th से ही आपको फॉलो कर रहा था। ओके, तो पुराने लेक्चर्स देखे होंगे, यूट्यूब पे देखे होंगे, वन शॉट्स वगैरह यस देखे सर होंगे, वहां से फिर तुम यस आए। सर। जेई बूस्टर कब खरीदा था? 2.0 कब खरीदा था तुमने? लगभग सर नवंबर के टाइम में। नवंबर के आसपास तुमने किया यस सर। होगा, फिर नवंबर दिसंबर 2 महीना पूरा बूस्टर से पढ़ाई करी। तो क्या क्या, यस सर। मतलब क्या क्या उसमें तुम्हें हेल्पफुल लगा, मतलब व्हाट वाज द गुड पार्ट, पहले उस पर बात करते हैं, ठीक है। सर मतलब जो भी आप क्लास में बोलते थे वो फॉलो किया एकदम। मतलब PYQ आप बोलते थे करने के लिए वो करे, फिर थियरी आप बोलते थे कि फुल कमांड होनी चाहिए, शॉर्ट नोट्स वो भी हाँ, बनाए, शॉर्ट फिर सर नोट्स बिल्कुल आपने पीछे बोला मुझे कि दिख ही रहा है वैसे, तो मेहनत तो मुझे दिख रही है पीछे एकदम, पीरियोडिक टेबल और वो पीछे क्या फॉर्मूले भी लगा रखे क्या, यस सर वो नेम्स वगैरह याद नहीं दिख होते रहा है, दिख कॉमन रहा है नेम्स। तुमने एकदम ओपी लेवल की मेहनत करी है, वो तो वीडियो से ही पता लग गया। तो तुमने पूरा बैच अच्छे से किया था क्या, मतलब थ्योरी लेक्चर सारे देखे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लगाए थे 23 के, तो मेरे ख्याल यस से सर। आप सभी को मतलब जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चंस का वो वीडियो सॉल्यूशन भी मिला था, तो उसको यूज किया था यस कि सर। खुद से ही बन जाते थे सवाल? यस नहीं सर 22 के मैंने खुद से लगाए थे, फिर 23 के लगाए थे जो PDF से, फिर जो नहीं बनते थे उसके सॉल्यूशन समझ लेता था देख के अच्छा, उसके आपसे। प्रिंटआउट भी है क्या अभी तुम्हारे पास? यस सर है। अच्छा है, रखे प्रिंट करके पूरे 23 के PYQ, ठीक है। तो प्रीवियस यस सर क्वेश्चन करे, लेक्चर करे, उसके यस अलावा सर बूस्टर सेशंस सर वो कैसे, यस मतलब सर बूस्टर सेशंस तो बहुत यूजफुल थे। सर अच्छा, मतलब क्या उसमें क्या ऐसा है जो बाकी जगह नहीं है, कुछ बताओ। मतलब 1.5 घंटे में चैप्टर के सारे टॉपिक रिवाइज हो जाते थे, मतलब हर वैरायटी का क्वेश्चन कवर हो जाता था। अपनी वही वाली जो स्टाइल मतलब है कि मतलब हर चीज के ऊपर अलग अलग करके टाइप वाइज डिवाइड कर दिया कि एक चैप्टर यस सर में इस टाइप के सवाल आएंगे या इस टाइप के आएंगे या इस टाइप के आएंगे, वो सारे टाइप आप यस प्रैक्टिस कर सर लो तो उसके बाहर तो कुछ जाना ही नहीं है, ठीक है। तो आई यस थिंक सर यस, ये मेरे ख्याल से एक स्पेशल बूस्टर सेशंस डेफिनेटली काफी हेल्पफुल है। चलो, और उसके यस बाद सर फिर तुमने टेस्ट सीरीज भी दी थी कि नहीं दी थी? यस सर दी थी टेस्ट सीरीज वोट्स 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 में कितने मार्क्स आते थे? सर। वोट्स में 200 के अराउंड आते थे, 200 के 190-200। आसपास आते थे। और अभी फाइनल स्कोर यस सर कितना है? सर फाइनल 239, 239 है, क्या बात है। मतलब वोट्स में सर जितना टू भी, वन थ्री 213 है, 213, यस सर ओके। मतलब यस सर वोट्स में जितना भी आ रहा था उससे 10-20 नंबर, या मतलब थोड़ा सा 10-12 नंबर ज्यादा यस ही सर आया है। है कि यस नहीं? सर उसी ओके, के हाईएस्ट आसपास कितना गया था तुम्हारा टेस्ट सीरीज में? सर। हाईएस्ट 219 गया था। ओके, 219 वाज द हाईएस्ट, ठीक यस है। सर और बाकी ऑन एन एवरेज मतलब 200 के आसपास ही तुम्हारे बन रहे थे टेस्ट में भी। टेस्ट कितने दिए यस थे? सर सारे दिए थे वो? 10 फुल टेस्ट हुए थे आई थिंक तुम्हारे, यस सर सर 5 दिए थे पांच स्टार्टिंग दिए में। थे और 5 नहीं दिए थे। यस सर ओके, यस चलो बढ़िया है, फिर भी मतलब तुमने 5 टेस्ट दे के भी 99 परसेंटाइल फोड़ दिया, तो मतलब बहुत बड़ी बात है। और आप हो कहाँ से, मतलब कौन से स्टेट से हो? सर ओडिशा से। उड़ीसा से, बढ़िया है। यस सर और तुमने और कोई कोचिंग वगैरह करी है इस बैच के अलावा, या और कुछ नहीं किया है? सर मैथ्स के लिए तो इसके अलावा कुछ नहीं किया है। अच्छा, तो तुमने पूरा बैच ही फॉलो किया है, पूरा स्टार्टिंग से यस लेकर सर एंड तक, सही है। चलो, यस तो बढ़िया है ना। अब एडवांस में मचाओ, आगे चल के अपने को यस ऑब्वियसली एडवांस में भी अच्छा करना है, ठीक है। तो जेई मेंस तक तो काफी अच्छा रिजल्ट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यस वंस अगेन। एंड अभी फिर थैंक यू सर एडवांस के बाद मिलेंगे, एकदम डबल पार्टी करेंगे एक साथ।
ठीक है, तो यस सर, एडवांस के लिए लग यस जाओ, सर, और यस डेफिनेटली सर, अपना जो एडवांस का बैच है वो भी डेफिनेटली उसको भी अच्छे से फॉलो करना, उसमें थ्योरी PYQ सब कुछ ही करेंगे, मतलब आपको तो स्टाइल पता ही है हमारा, ठीक है? यस सर, तो डेफिनेटली जी वहाँ सर, पे बहुत अच्छे से करना है, और अल्टीमेटली जेई एडवांस में भी बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आना है, ठीक है? चलो, जी तो ऑल द सर, बेस्ट, और बढ़िया थैंक यू सर, फोड़ेंगे एकदम एडवांस यस सर। में, ओके okay.